खबर छुपी लाइव आपकी खबर पेज ऐसा। एक प्राइवेट बस यूपी सरकार के परिवहन विभाग और पुलिस के सिस्टम को मुंह चिढ़ाती हुई कई राज्य होते हुए 1500 किलोमीटर तक चली गई। नए इस बस का टैक्स जमा था, 30 बार चालान तक काटा जा चुका था, फिर भी यात्रियों को ठूस ठूस कर बस में भर लिया गया और दिल्ली से बिहार की ओर निकल पड़ा। देखें एक खास रिपोर्ट। यातायात माह, यातायात सप्ताह, सड़क सुरक्षा माह सहित विभिन्न अभियान चलाकर कागजी कोरम पूरा करने वाले परिवहन विभाग की सक्रियता की पोल कप्तानगंज थाना अंतर्गत महाराजगंज पुलिस चौकी पर पकड़ी गई एक डबल डेकर बस ने खोल दी। 5 लाख रुपए टैक्स बकाए के बावजूद धड़ल्ले से हाईवे पर फर्राटा भर रही इस बस का 5-10 नहीं बल्कि 30 दफा चालान कटा हुआ था। पूर्व की तरह बस को छोड़ने के लिए पुलिस कर्मियों के पास कई राजनीतिक व्यक्तियों का फोन आया, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं की गई और बस को कप्तानगंज थाने भेजते हुए सीज कर दिया गया। बस और मालिक दोनों बस्ती के ही हैं। आज सुबह दिल्ली से बिहार जा रही एक डबल डेकर बस में बैठे सवारियों ने महाराजगंज चौकी के पास पहुंचने पर शोर मचाना शुरू किया तो पुलिस ने बस को रोककर जांच शुरू की। पहले तो पुलिस को बस ड्राइवर और कंडक्टर कोई कागजात नहीं दिखा पाए। सख्ती बरतने पर चालक ने जो कागजात दिखाया उसे देखकर सभी दंग रह गए। पता चला कि बस पर परिवहन विभाग का लगभग 2 लाख रुपए टैक्स बकाया है। इतना ही नहीं, विभिन्न वजहों से 5-10 नहीं बल्कि 30 बार चालान भी कटा है। यात्रियों ने चालक और उसके गुर्गे के खिलाफ पुलिस को शिकायती पत्र भी सौंपा। यात्रियों को दूसरे बस से बिहार भेजा गया। चौकी इंचार्ज महाराजगंज सुनील कुमार सिंह, यात्रियों से मारपीट की गई है। चालक कोई कागजात भी नहीं दिखा पाया, बस को थाने पर भेजने के साथ ही सीज कर दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर आरटीओ सगीर अहमद से जब बात की गई तो उनका जवाब हैरान कर देने वाला था। आरटीओ ने कहा कि हमारे पास अधिकारियों की कमी है, इसलिए नियमित तौर पर इस तरह की कार्यवाही नहीं हो पाती है। जिस बस को कप्तानगंज पुलिस ने पकड़ा है उसकी जांच की जा रही है। मगर कैसे एक प्राइवेट बस नियमों के विरुद्ध सड़कों पर फर्राटा भरती रही, इस सवाल पर वे कोई जवाब नहीं दे सके। आप जिस बस के बारे में कह रहे हैं उसको दिखवाया जाएगा या आरटीओ परिवर्तन से उसकी रिपोर्ट ली जाएगी, क्या स्थिति है? जहाँ तक चलने वाली बसों या अन्य सवारी वाहनों का प्रश्न है, ऑल इंडिया परमिट से तो तमाम बसें पूरे प्रदेश में, पूरे देश में संचालित हैं और समय समय पर ऐसे वाहनों के विरुद्ध जो कि परमिट शर्तों के विरुद्ध संचालित होती हैं उन पर सड़क पर रहने वाले परिवहन अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाती है। जनपद बस्ती में दुर्भाग्यवश पिछले एक वर्ष से कोई भी परिवहन अधिकारी न होने की वजह से बहुत प्रभावी परिवहन की कार्रवाई यहाँ नहीं हो पाती है, ये सही है। इसको हम एआरटीओ परिवहन के द्वारा, एआरटीओ प्रशासन के द्वारा दिखलवाएंगे कि क्या पोजिशन है। नहीं, देखिए कोई भी यात्री वाहन है अगर सीटिंग क्षमता से ज़्यादा सवारियां भर के चलती है तो वो परमिट शर्तों का उल्लंघन करती है और इसके लिए जो परिवर्तन अधिकारी हैं जो सड़कों पे परिवर्तन करने के लिए अधिकृत हैं पूरे प्रदेश में वो कार्रवाई करते हैं। ऐसी वाहनों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ भी होती हैं, चालान की कार्रवाई विशेष रूप से होती है। आप कह रहे हैं कि अधिकारी यहाँ पे नहीं, कोई घटना घट जाए, बहुत घटी भी है नोएडा और आपका, कई लोगों की मृत्यु भी हुई, तो कोई घटना घटती जिम्मेदारी किसकी है? विभाग की नहीं है? नहीं, अगर कोई घटना घटती है और कोई उसमें अनियमितता है तो जाहिर सी बात है कि अगर
विभाग ने उसमें कुछ आरसी गलत जारी कर दिया या परमिट गलत जारी कर दिया तो निश्चित रूप से उसकी परिधि में आएगा। सर तो क्या टैक्स जमा करने के लिए आपके स्तर से कोई कार्रवाई कराई जा रही है या जिस तरीके से बस पकड़ी गई है? देखिए जो बकाए में वाहन होती हैं उनको पहले डिमांड नोटिस दी जाती है, डिमांड नोटिस के बाद भी अगर नहीं जमा होता है तो उनको आरसी जारी होती है, रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होती है। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी।